कि लक्ष्मी और गणेश का ही पूजन साथ में क्यों होता है, तो ये बात बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि मान लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न मैं भी कर दूं इसमें, कि कोई स्त्री जॉब करने जा रही है और वो नौकरी कर रही है किसी ऑफिस में, तो चूंकि घर में वो गृहिणी है, किसी की पत्नी है, मगर वहां वो जॉब कर रही है, वहां उसका कार्य क्षेत्र अलग है, तो क्या जरूरी है कि उसका पति उसके साथ में खड़ा हो? क्या जरूरी है कि उसका पति उसके साथ में खड़ा हो? या पति नौकरी करने जा रहा है, व्यापार करने जा रहा है, क्या ये जरूरी है कि उसकी पत्नी उसके साथ बगल में बैठी जाए? ये पति पत्नी वाला संबंध हो गया। अब आते हैं हम गणेश और लक्ष्मी जी पे। लक्ष्मी जी को हम श्री की देवी मानते हैं। श्री का मतलब होता है धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, सुख, आनंद, उत्सव, इसकी देवी मानते हैं। और श्री गणेश कौन है? श्री गणेश मंगल के प्रदाता हैं, आनंद के प्रदाता हैं, लेकिन ये विघ्नहर्ता भी है। ध्यान देखिएगा, ये कौन है? विघ्नहर्ता। असल में गणेश जी का निर्माण जो हुआ है वो विघ्नहर्ता के रूप में हुआ है। उनका पहला जो कार्य है विघ्न को हरना है। श्री गणेश विघ्न को हरने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इस बात को समझ लें। तो श्री गणेश विघ्न को हरने वाले हैं, वहीं आप लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं, तो लक्ष्मी जी से जो आप चाहते हैं उस सारे कार्य में किसी तरह का विघ्न ना हो, उसके लिए आपको पैरामीटर्स और एक आवरण तो चाहिए, एक ऐसी स्थिति चाहिए जो आप प्राप्त करें उसमें कोई विघ्न ना हो। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, ऐसे समझ लो आज के परिवेश में, कि वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? वैक्सीन इसलिए आप लगवा रहे हैं कि आप जो लाइफ जी रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आ जाए, परेशानी ना हो जाए, लाइफ तो आप जी रहे हैं। इसी तरीके से एक तरह से ये एक वैक्सीनेशन की टाइप से तुम्हारी नजर से देखो कि जब लक्ष्मी को पूज के जो उनसे जो हम लक्ष्मी से चाह रहे हैं वो लक्ष्मी जो हमें दे, तो श्री गणेश जी उस पर कृपा करें, मंगल ही मंगल हो, कोई अमंगल ना हो जाए, तो मंगल अमंगल में ना बदल जाए, इसलिए श्री गणेश जी को साथ में है। दूसरी चीज, अब ये बात हो गई डिपार्टमेंटल, श्री लक्ष्मी जी का जो कार्य है वो करेंगी, श्री गणेश जी का कार्य जो है वो करेंगी, इसमें कोई रिश्तेदारी वाली बात नहीं है। इस बात को समझना आपका सौभाग्य होना चाहिए, इसलिए श्री लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो जो मंगल देने वाली है उसमें किसी तरह का अमंगल ना हो, तो श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। श्री राधे।